दूर देश में एक गांव था, नाम था तानपुरा। वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में राधा अपनी दादी और अपनी गाय गोपी के साथ रहती थी। गोपी तो उसकी पक्की सहेली थी। राधा, ओ राधा, कहाँ है? हाँ दादी, आई। गोपी, मैं बस अभी आई। सारा दिन बस गोपी के साथ खेलती रहती है, काम काज का तो इसे कोई फिक्र ही नहीं है। क्या बात है दादी, क्यों बुला रही हो? अरे तुम्हें कोई होश भी है? घर में पानी खत्म हो गया है, जा जाकर कुएं से भर ला। ठीक है दादी, जाती हूँ। यहाँ तो किसी को कोई ध्यान ही नहीं, बस सारे काम मैं ही करूँ। अरे बहुत थक गई, चलो थोड़ा सुस्ता लेती हूँ। जब राधा वापस आती है और गोपी को अपनी जगह पर ना देखकर वो बहुत चिंतित हो जाती है और दादी से गोपी के बारे में पूछने दौड़ती है। दादी, गोपी कहाँ है? वो बाहर अपनी जगह पर भी नहीं है। दादी, ओ दादी, क्यों मुझे तंग कर रही हो? यहीं कहीं होगी, और कहाँ जाएगी? दादी का ऐसा रवैया पाकर राधा गोपी को ढूंढने निकल पड़ती है। कहाँ ढूंढूं गोपी तुझे? इधर जाऊं? नहीं नहीं, यहीं से तो मैं आई थी, इधर चली जाती हूँ। वो लक्कड़ चाचा आ रहे हैं, इनसे पूछ लेती हूँ। वो लक्कड़ चाचा, क्या तुमने मेरी गाय गोपी को देखा है? अरे बेटा, वो शायद उधर खो गई। अच्छा, धन्यवाद चाचा। अरे चाचा तो वैसे भी भूल जाते हैं, अगर उन्होंने इस दिशा में कहा इसका मतलब मुझे उल्टी दिशा में जाना चाहिए। हाँ, इधर ही जाती हूँ। कहाँ चली गई हो गोपी, कहाँ ढूंढो तुम्हें? अरे ये तो गोपी की आवाज है। आवाज इस घर से आ रही है, जाकर देखती हूँ। गोपी, तुम यहाँ? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? चाचा, ये मेरी गाय गोपी है, ये रास्ता भूल गई और गलती से आपके पास आ गई। अरे नहीं, ये मेरी गाय मुन्नी है, मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, ये मुन्नी है। नहीं नहीं, ये गोपी है, तो सरपंच जी ही फैसला करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा तो यह बात है, अब तो गाय ही बता सकती है कि वो भोला की है या फिर राधा तुम्हारी। अरे सरपंच जी, अब ये गाय कैसे बताएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, भोला और राधा, देखो भाई तुम दोनों ऐसा करो कि तुम अपने अपने नाम से गाय को बुलाओ, जिसकी आवाज़ सुनकर यह गाय जिसके पास भी जाएगी गाय उसकी। चलो भोला पहले तुम शुरू करो। मुन्नी, ओ मुन्नी, आओ मेरे पास, आजा आजा। चलो राधा अब तुम्हारी बारी, तुम बोलो। गोपी, ओ गोपी, मैं राधा तुम्हारी पक्की सहेली, आओ मेरे पास, आओ आओ गोपी। अरे देखा दादी, गोपी ने खुद ही बता दिया कि वह किसकी है, वह राधा की है।